किसी भी बिजनेस का विकास और लोकप्रियता उनके कस्टमर्स कितने खुश हैं उनकी सर्विसेज से उस पे डिपेंड करता है। अपने बिजनेस को कई सालों तक सक्सेसफुल चालू रखने के लिए हर बिजनेसमैन पहले कस्टमर्स की जरूरत और उनकी पसंद के बारे में सोचता है, क्योंकि कम से कम 4 कस्टमर्स उनके सर्विसेज से खुश हुए तो वो और भी लोगों को बताएंगे, जिससे बिजनेस की लोकप्रियता और प्रॉफिट दोनों बढ़ता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक लोकप्रिय कॉफी आउटलेट के बारे में बताऊंगी, जिसके अभी तक 1843 आउटलेट्स हैं इंडिया के 28 स्टेट्स में। कैफे कॉफी डे का नाम तो कई लोगों ने सुना होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये इतना फेमस होता गया। जानते हैं अब कैफे कॉफी डे की कहानी शुरुआत से। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिस्टर वी जी सिद्धार्थ हेगड़े कर्नाटक के चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे। इन्होंने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली थी और उनकी फैमिली 140 साल से कॉफी प्लांटिंग कर रही थी। लेकिन इनके दिमाग में खुद का कुछ शुरू करने का आइडिया कब कैसे आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जानते हैं कैफे कॉफी डे की कहानी। मिस्टर वी जी सिद्धार्थ हेगड़े जब चिबोजो जर्मन का कॉफी चेन है उसके ओनर से मिले, तब से ये सीसीडी की कहानी शुरुआत हुई। जब मिस्टर सिद्धार्थ ने पूछा चिबो के ओनर से कि आपकी फैमिली 100 साल से रही है कॉफी बिजनेस में, तो चिबो के ओनर ने कहा, नहीं, मेरे दादाजी ने इस बिजनेस की शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1948 में की थी। ये बात सुन के मिस्टर सिद्धार्थ शॉक्ड रह गए और उस दिन रात भर सो नहीं सके कि इतने कम वक्त में चिबो फेमस कैसे हो गया। उस वक्त चिबो के 10 पे 10 स्टोर्स थे हैमबर्ग में। इस बात पर से मिस्टर सिद्धार्थ ने कॉफी बिजनेस पे पूरी जानकारी निकाली, जिससे पता चला कि दुनिया में 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ जितना कॉफी बीन बैग्स का प्रोडक्शन हर साल होता है। कॉफी बीन बैग्स की कॉस्ट कम से कम 7 बिलियन डॉलर होती है और वो कॉफी बीन्स की कॉफी बनाकर सेल करो तो कॉस्ट कम से कम 100 बिलियन डॉलर हो जाता है। मतलब कॉफी बीन्स के प्रोडक्शन में और उस बीन्स की कॉफी सेल करने दोनों में बहुत प्रॉफिट है। इस बात पर से मिस्टर सिद्धार्थ ने कॉफी का इस्तेमाल से बिजनेस शुरू करने का डिसाइड किया और कैफे कॉफी डे का फर्स्ट आउटलेट ईयर 1993 में बैंगलोर में शुरू किया, जिसका टैगलाइन था अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। बैंगलोर का कैफे साइबर कैफे भी था, जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी थी। यहाँ पे लोग अक्सर इंटरनेट सर्फिंग के लिए आते थे और यंगस्टर्स का क्राउड बहुत ही ज्यादा था, जहाँ कस्टमर्स को नेट सर्फिंग और कॉफी दोनों का आनंद मिलता था। मिस्टर सिद्धार्थ हेगड़े ने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए सही तरीका यूज किए, मतलब कस्टमर्स की पसंद और जरूरत पे ज्यादा ध्यान दिया, जिस कारण बिजनेस की लोकप्रियता बढ़ती गई। इस तरह से पहले बेंगलोर में सीसीडी का एक आउटलेट था, लेकिन फिर 20-25 आउटलेट्स चालू किए गए और ईयर 2011 में 20 आउटलेट्स चेन्नई में ओपन किए गए। तो इस तरह मिस्टर सिद्धार्थ ने कैफे कॉफी डे की शुरुआत की और आज ये कैफे आउटलेट काफी कंट्रीज में फेमस है और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में भी ओपन किए गए थे। और इन्होंने अपने खुद के कॉफी प्लांटेशन भी खरीदे जब वो GM फाइनेंशियल में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी काम कर रहे थे। अपनी मेहनत और बिजनेस स्किल्स यूज करके मिस्टर सिद्धार्थ हेगड़े ने कैफे कॉफी डे वर्ल्ड फेमस कर दिया है, जिस कारण लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।